अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं रियल स्टेट नुकसानदेह है, रियल स्टेट में पैसा नहीं है जी। दूसरे हैं मेरे जैसे जो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही क्योंकि बाकी सारी इन्वेस्टमेंट माइनस हैं। समझ आई मेरी बात? आपसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट एक आपके पास एक ऑप्शन है, बॉन्ड्स आपके पास ऑप्शन है, बॉन्ड में आपको 15% इंटरेस्ट मिला मान लिया, स्टॉक में देखा तो पता चला माइनस में आप। अब आप कहते हैं एक तीसरी है रियल स्टेट। भाई ठीक है, करेंसी आपकी चाहे 40% डिवैल्यू हो गई हो, 30% डिवैल्यू हो गई हो, 27% डिवैल्यू हो गई हो, उसके बावजूद भी रियल स्टेट वाहिद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है जो 25,000 या 38% आपको पिछले साल में भी दे गई है, वर्स केस में भी। घर खरीदना है जरूर खरीदो, आज खरीदो कल महंगा होगा। देखें दुनिया में हाउसिंग की डिमांड वर्ल्ड वाइड लो है, नो डिनायल ऑन इट। वजह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गए हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं दुनिया में तो आपको पता है रियल स्टेट काम ही मोर्टगेज पे होता है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाती है तो डिमांड रुक जाती है। ये कल को अगर आप इंटरेस्ट रेट नीचे ले आए तो फिर ऊपर चली जाएगी। इसलिए फिलहाल पूरी दुनिया में सारी मेजर मार्केट्स के अंदर आपको रियल स्टेट की डिमांड की बात कर रहा हूँ, बार बार याद रखिएगा। अब ये देखें ना, कहते हैं ना अल्फाज के मायने नहीं होते, मानी लोगों में होते हैं। मैं अगर जाके ये कहूँ या आप ये सुने मेरी, अब कि फाइज साहब ने कहा रियल स्टेट की डिमांड दुनिया भर में कम है, मैंने घरों की डिमांड की बात की है, इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि रियल स्टेट तबाह हो गई है। इट कुड बी इंटरप्रेटेड दैट वे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैं कहा दुनिया का डेटा ये बता रहा है कि हाउसिंग की डिमांड कम हुई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो जब मैंने सारा का सारा सर्वे किया दुनिया की मार्केट का तो मुझे नजर आया डिमांड कम हो गई है। प्रॉपर्टीज आर टेकिंग मोर टाइम टू सेल। जो चीज़ आज से साल पहले एक लिस्टिंग होती है ना, वहाँ पर जब कुछ चीज़ आप बेचते हैं लिस्ट करते हैं तो वो महीने में बिक जाती थी, आप वो 4-4 महीने जैसे पुरानी ओल्ड लिस्टिंग्स चल रही है, मोर डिमांड मोर टाइम टू सेल। नंबर तीन, लिस्टिंग की क्वांटिटी कम हो गई है। मसलन अगर पहले 70,000 घर थे अवेलेबल बिकने के लिए तो अब 30,000 घर लगे हमें। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि बायर आइदर इज नॉट विलिंग टू सेल, और बायर को लगता है कि कस्टमर नहीं है इसलिए मैं बेचते फायदे को नहीं लगाने का इश्तेहार। दो ही वजूहत हो सकती हैं कि वो लिस्टिंग भी कम आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली प्राइसेस आर अप ऑलमोस्ट एवरी मार्केट, प्राइसेस आर अप। इनके आप और इस जब हम कहते हैं प्राइसेस आर अप, ये एक जनरल फिगर है, ये एक एवरेज फिगर है कि ओवरऑल एवरेज प्राइसिंग इज अप। कुछ घरों में एक्सेप्शन आपको होंगी, फर्ज करें बायर इज डेस्परेट या सेलर इज डेस्परेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है, मैंने भागना है, तो मुझे तो जो पैसे मिलेंगे मैं लेके भाग जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एवरी पासिंग डे डेप्रिसिएशन ज्यादा रुपए की, तो आज का 2,20,00,000 भी बेहतर है कल के 2,30,00,000 से, तो मैं तो बेच दूंगा। लेकिन एवरेज देखा जाता है, एवरेज यही बता रही है ओवरऑल एवरेज जोन सी है, प्राइसेस आर अप इन ऑलमोस्ट एवरी मार्केट और रेंट्स भी ऊपर है। जब ये 5 सेट्स ऑफ डेटा आप सामने रखते हैं कि एक डेटा अगर मैं सिर्फ एक खबर पढ़ूं या एक डेटा आए डिमांड कम हो गई घरों की, या दूसरा पढ़ो घर बिकते नहीं पे, या तीसरा पढ़ो लोग बेचते नहीं पे। मैं आपको समझ मैं इसलिए कहता हूँ, मैं आप मेरी हमेशा तो कोशिश होती है कि आप वो तरीका सीखें। ये जिंदगी में एनालिसिस इतनी आसानी से नहीं होते,
सर अगर फर्ज करें मैं कहूँ कालो की बेचने तैयार नहीं बेचता ही कोई नहीं पाया, ऐसा मतलब है कि ये बेचता नहीं प्यार, सप्लाई हैगी है, कीमतें तो ऊपर जानी चाहिए, खरीद लो खरीद लो खरीद लो यार, डेस्परेट हो जाएंगे ना आप कि कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरा जो बता रहा है कि कार विक दे नहीं पाए, ये डेटा टोटली ऑपोजिट कहानी बता रहा है, कार विक दे नहीं पाए ऐसा मतलब है बायर ही नहीं है, लो लिस्टिंग हो रही है मतलब बेचने को तैयार ही नहीं, टोटल ऑपोजिट है डेटा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेट्स ऑफ डेटा को इकट्ठा रखा करें एनालिसिस करते हुए और फिर उसमें से हाइपोथेसिस डेवलप करके टेस्ट आउट करें कि यार डिमांड कम है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लिस्टिंग कम है, कीमतें और किराए ऊपर हैं, व्हाट डज इट मीन और व्हाट कुड इट मीन, इसके क्या मायने हो सकते हैं, ओनली देन यू कैन मेक अ पिक्चर कि जनाब वक्ती तौर पे इस वक्त आपके सामने हालात मौजूद हैं, वक्ती तौर पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ मॉर्गेज बहुत जा चुकी है, लोग वेट और सी में हैं, लोग रिटर्न देखते हैं, दुनिया में हाउसिंग की डिमांड उतनी नहीं है किसी जगह भी जितनी पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इन मुल्कों में आबादी की शरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अक्सर औकात नए घर उतने बनते नहीं, मुझे बताया ना लंदन में कौन सी नई सोसाइटी लॉन्च हुई है, कितने साल में उन्होंने लॉन्च किया, इधर तो यहाँ राइवल रोड पर ही हुई है, पंजी सोसाइटियाँ जाती बन गई हैं एक साल से, तो ये पाकिस्तान ही कुछ और है, अमेरिका में कौन सी नई सोसाइटी लॉन्च होती है, वही घर है, उन्हें बेचा, इन्हें खरीद लिया, इन्हें खरीद लिया, उन्हें खरीद लिया, उन्होंने मेंटेन हो गया, वो तीन तीन नस्लों से वही घर है चलते आ रहे हैं, उसने खरीदा उस फैमिली से, उस फैमिली के पास चला गया, नए घर वैसे रफ्तार से नहीं बनते जैसे पाकिस्तान में डिमांड है, तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से टोटली फ़र्क है और वो डेटा आपको ये बता रहा है। 13,800 रुपये से बढ़ के प्राइस जोन सी है नवंबर के अंदर 16,000 रुपया स्क्वेयर फुट पे जा चुकी है और ये पाकिस्तान का डेटा है। अब आप मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें 2,500 का मतलब है जी एक किनाल का घर 4,500 स्क्वेयर फुट ज़रब 2,500, 1,12,50,000 रुपये महंगा हो चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो इसलिए मुझे एक सोर्स की बात नहीं है, दिस इज़ लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, तो अगर मैंने डेटा देखा है तो मुझे लगता है यार दिस आई विल यू नो सेकंड दिस डेटा, और ये पाकिस्तान का डेटा है, मेरा एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, ये पाकिस्तान का डेटा। अब दूसरी तरफ आ जाएं, हाउस प्राइसेस इंडेक्स देखें, सबसे ज़्यादा जो तब्दीली आई है पाकिस्तान में वो कह रहे हैं 25.38% एक साल में घरों की कीमतें बढ़ी हैं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं रियल स्टेट नुकसानदेह है, रियल स्टेट में पैसा नहीं है जी, दूसरे हैं मेरे जैसे जो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही क्योंकि बाकी सारी इन्वेस्टमेंट माइनस हैं। समझ आई मेरी बात? आपसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट एक आपके पास एक ऑप्शन है, बॉन्ड्स आपके पास ऑप्शन है, बॉन्ड में आपको 15% इंटरेस्ट मिला मान लिया, स्टॉक में देखा तो पता चला माइनस में आप। अब आप कहते हैं एक तीसरी है रियल स्टेट, भाई ठीक है करेंसी आपकी चाहे 40% डिवैल्यू हो गई हो, 30% डिवैल्यू हो गई हो, 27% डिवैल्यू हो गई हो, उसके बावजूद भी रियल स्टेट वाहिद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है जो 25.38% आपको पिछले साल में भी दे गई है, वर्स केस में भी, और ये डेटा बता रहा है। उसके बाद ये भी डेटा बताता है कि सबसे ज़्यादा कीमत जो बढ़ी है वो 10 मरले और 5 मरले के घर में बढ़ी है, जिससे ये फीलिंग मिल रही है कि घरों की डिमांड चेंज हुई है, डिमिनिश नहीं हुई। जिसने शायद कनाल का घर लेना हो वो बेचारा आप 10 मरले का 12 का ले रहा है,
जिसने 10-12 मरले का प्लान किया वो शायद आप 5 मरले का ले रहा है, उसके हाथ में कैश कम रह गया ना, कीमतें एकदम ऊपर चली गई, तो जिस प्राइस में उसको कनाल मिलता था शायद आप उसको 12 मिल रहा है, और जिस शायद प्राइस में जिसने 12 का बजट बनाया होता वो उसकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप वो 5 मरले का कर ले रहा है। तो ये डिमांड बता रही है, इस वजह से 10 मरले की कीमत 16.73% और 5 मरले की 13.88% कीमत बढ़ी है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे आ जाएं, डेवलप सोसाइटीज के अंदर यहाँ पे फाइलों का काम नहीं है, फाइलों तो साफ zameen.com पे डेटा नहीं होता, ये प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स ऑन साइट जो आप देख सकते हैं। तो अगर आप प्लॉट्स को भी देख लें, ऑल्दो के थोड़ी सी प्राइस का कर्व जोन सा है वो स्लाइटली एज हुआ नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप साल को कंपेयर करें तो ये ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। ओके, फिर आपको पता है कि मैंने एक तरफ आपको बताया था कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, किस शहर में खरीदें, किस जगह। मैंने उनको हमेशा से बताया कि यार लाहौर इज़ अ गुड प्लेस, उसकी वजह अगर आप साथ साथ बिजनेस कहीं हैं तो फिर तो क्वेश्चन भी नहीं उठता ना, ये सवाल तो वो पूछेगा जिसके पास चॉइस है कि मैंने किस शहर में आना है। डेटा आपका ये बता रहा है कि लाहौर इज़ नंबर वन, और लाहौर के अंदर रायवंड रोड ये आपके सामने है जी, डेटा ये बता रहा है कि रायवंड रोड पे 5 मरले के घर की कीमत सबसे ज़्यादा 26.80% बढ़ी है। सेकंड नंबर पे गुलबर्ग है, तीसरे नंबर पे जोहर टाउन है, चौथे नंबर पे इकबाल टाउन है, DHA डिफेंस 11.78% है, वापडा टाउन उससे भी नीचे है, वलेंशिया 4.40% और बैरिया टाउन सिर्फ 3.4% कीमत बढ़ी, सब इसी सराउंडिंग में। सो योर इन्वेस्टमेंट ऑन रायवंड रोड वुड हैव पेड यू मच हायर देन एनी अदर प्लेस, अगर आपने मेरी बात सुनी होती। पॉपुलर सिटीज कौन सी है? लाहौर 23,291 घर बिके, कराची 11,263, इस्लामाबाद 8,381, रावलपिंडी 6,870, मुल्तान 1857, पिशावर 1482, फैसलाबाद 1343, गुजरांवाला 1133, भावलपुर 366, साहिबाल 327, सियालकोट 326, एबटाबाद 180, सरगोधा 84, मरी 60, कोयटा 11। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लाहौर की प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की एवरेज ख़राब करती है, बिकॉज लाहौर की प्रॉपर्टी और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी, कराची की प्रॉपर्टी और बाकी शहरों की प्रॉपर्टी से बहुत ऊपर ज़्यादा महंगी हुई है, जिसकी वजह से बाकियों में भी ओवरऑल एवरेज बढ़ गई है। समझ आइए, तो क्या होगा आगे? मेरा ख्याल है दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, आई डोंट सी एनी, लेकिन फिर वही बात है कि क्या व्हाट विल कंटिन्यू, फिर वही बात है ना, मायनी अपने हमने देने हैं। रियल स्टेट डूब जाएगी नहीं डूबेगी, रियल स्टेट का बबल टूटेगा नहीं टूटेगा, रियल स्टेट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वक्ती तौर पे बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अब ये सवालों के जवाब हैं, घर खरीदना है ज़रूर खरीदो, आज खरीदो कल महंगा होगा। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान से बाहर बिजनेसेस करने के तो ठीक है, नहीं ऑप्शन तो पाकिस्तान में अच्छा है या बुरा है, पसंद है या नहीं पसंद, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, चांसेस बहुत ख़राब हैं, लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, रिस्क बहुत हाई है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन का टाइम है, हर बिज़नेस इस वक्त नहीं चल सकता, अलबत्ता फूड का बिज़नेस है बहुत अच्छा है, कर सकते हैं ज़रूर करें,
और अगर नहीं एनिमल्स का कर सकते हैं नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने आप को बचाना है, तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन पाकिस्तान टू सेव योर मनी, यही देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट के मायने क्या है यार, मेरे पैसे कैसे प्रोटेक्ट होंगे। तो सबसे बेहतर तरीका फिलहाल भी यही है कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दें। डेटा यही बता रहा है, चाहे आपकी 30% 32% 30.2% जो इन्फ्लेशन है, वेरी क्लोज 26.82% पे आके इससे ज्यादा किसी इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान में पिछले साल में रिटर्न नहीं दिया। तो अगर मैंने लूज भी किया तो 2.5% लूज किया ओवरऑल नेट रियल वैल्यू में, लेकिन अगर मैंने स्टॉक में रखा होता तो मैं 35% लूज कर चुका होता। तो यहां पर तो 2.5% लूज किया। तो ठीक है, कीमतें बढ़ रही है, अगर आप इसको नेट आउट कर दें कि रुपया भी गिर रहा है तो ठीक है, वो उस कम से कम उसके बदले में ही बढ़ रही है ना। रियल स्टेट में यही सबसे बड़ा ये है कि आपको देखते हैं ना, जैसे कि जी डॉलर जो है 230 का हो गया, तो पता चलता है प्लॉट की या घर की कीमत बढ़ गई है, वो उसी हिसाब से कीमत बढ़ा चेंज कर देते हैं, बिके ना बिके उसकी वैल्यू डिटरमिन हो जाती है। और जो आज नहीं बिकता, जब उसके कंपेरिजन में दूसरी चीज़ बढ़ती है तो कल वो परसों, यानी कि जो टाइम बताया लिस्टिंग का टाइम बढ़ गया, तो जो घर एक महीने में बिक रहा था वो तीन में बिक रहा है, बिक उसी में रहा है जो कीमत मांग रहे हैं, क्योंकि डिमांड है।